क्या होगा कि जब मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, उस केस में इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। कल अपन ये सब देखे थे। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, यानी अभी तक हम लोग क्वाइल को मूव नहीं करा रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि ये क्वाइल, ये अपना क्वाइल रेस्ट में था और मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे और करंट का डायरेक्शन मेजर कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो क्वाइल के पास जब मैग्नेट आएगा या क्वाइल से दूर जाएगा मैग्नेट, तो क्वाइल में इंड्यूस करंट फ्लो होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस करंट गिवन बाय लेंज लॉ। उल्टा में पॉसिबल है कि नहीं? अगर ये क्वाइल, अगर ये क्वाइल खुद मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? क्यों शिवम, अभी तक तो मैं मैग्नेट को पास ला रहा था और दूर ले जा रहा था, मोशन करा रहा था, तो मैग्नेट के पास लाने से फ्लक्स इंक्रीज हो गया, मैग्नेट के दूर ले जाने से इससे लिंक फ्लक्स डिक्रीज हो गया। तो उसी फ्लक्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण इस क्वाइल में इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं उल्टा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस क्वाइल का मोशन कराएंगे, तो इस क्वाइल में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा, होगा ना, क्योंकि अपने को कुल मिला के ना फ्लक्स को चेंज करना है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस बता रहा है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड एंड देयर इज वन रेक्टेंगुलर क्वाइल इंटर फ्रॉम आउटसाइड टू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड से मैग्नेटिक फील्ड में इस क्वाइल को खींच के ला रहे हैं, करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? क्वाइल है, क्वाइल को आउटसाइड से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, यानी पहले जब बाहर था क्वाइल तो इससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं था। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। किसका एरिया? क्वाइल का एरिया। तो फाई इक्वल टू बी इनटू ए। तो अगर क्वाइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होगा तभी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल नॉट बी एनी इंड्यूस करंट। तो चलो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। अभी ये क्वाइल था वो बाहर में था, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, तो इससे लिंक फ्लक्स का वैल्यू है जीरो। बट जैसे जैसे ये क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, इससे लिंक जो फ्लक्स का वैल्यू है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज ना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड में एरिया बढ़ते जा रहा है ना। ये बाहर जो एयर में है वो कम होते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया बढ़ते जा रहा है। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अपने को इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं है, अपने को ये पता लगाना है कि भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्यों वेदांश, क्यों शिवान, फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है कि नहीं?
और इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्वाइल से लिंक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्वाइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस करेंट। तो इस क्वाइल में इंड्यूस करेंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? होगा सर। होगा। चलो तो इतना हो गया भैया, क्वाइल इंटर आ रहा है, करेंट प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ करेंट, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखना, लेंज ने क्या बताया था कि जो करंट है वो उस कॉज का अपोज करता है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। तो रीजन क्या है करंट प्रोड्यूस होने का? कि दिस कॉइल एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स लिंक थ्रू दिस कॉइल कंटिन्यूअस इंक्रीजेस, यानी क्वाइल से लिंक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, और उसी इंक्रीज होने के कारण तो क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों और उसी समझ में आया कि नहीं आया? कि क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो जैसे जैसे ये बुक है, मान लो ये बुक क्वाइल है, जैसे जैसे ये बुक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो फ्लक्स यानी इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ते जा रहा है ना, पहले इतना एरिया, फिर आगे वाला एरिया, फिर एरिया, यानी इससे लिंक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इस क्वाइल में इंड्यूस करेंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? फ्लो होगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, वो करेंट इसमें क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो यहां अपने को लेंज लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है। लेंज लॉ ये बोला है कि हमेशा जो करेंट है ना वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो रीजन क्या है? रीजन है कि जैसे जैसे ये क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है इससे लिंक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इसके फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये क्वाइल अंदर आया, इससे लिंक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड की आउटवर्ड? क्यों अनुसार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, ये कौन से डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है? अरे क्रॉस क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड? इनवर्ड है। अब जब ये क्वाइल इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन भी किधर है, इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड है। यानी इसमें हमको क्या करना है कि फ्लक्स को डिक्रीज करना है। फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो पहले इनवर्ड था, यानी पहले जो अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड था ना, मेरे को वो डिक्रीज करना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है ना। अब करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। हाँ 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 डाल दो। ठीक,
वेदांश कहाँ चला गया है? चलो देखो, तो जब ये क्वाइल अंदर की तरफ एंटर कर रहा है तो क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और उसी इंक्रीज होने के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है। अब अपने को करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो अपने को इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी अपन ये देखेंगे कि हम लोग किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो क्या है, इंक्रीज कैसे हो रहा है? पहले था तुम्हारा 10 वेबर, 20 वेबर, 30 वेबर, 40 वेबर, 50 वेबर। वेबर होता है ना फ्लक्स का यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर मेरे को इसके वैल्यू को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए भाई। पहले अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज 10 टेस्ला था तो करंट फ्लो हुआ, लेंज लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होना चाहिए कि पुराने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज करे। तो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना है, यानी पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो जब ये क्वाइल अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए आउटवर्ड, यानी थंब को कहां रखो, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अगर थंब पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिंगर किसको बताएगा, करंट के डायरेक्शन को। बताया था कि नहीं पहले में? तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, हमको उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो मैं अपने थंब को रखूंगा आउटवर्ड, जिधर फिंगर मुड़ेगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट। यानी बताओ अब इसमें इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? क्लॉक वाइज। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। अब चलो ये जो क्वाइल है वो यहां से अंदर जाते जाते जब ये क्वाइल पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, अब ये क्वाइल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट? करेंट इंड्यूज भी होगा कि नहीं होगा? होना क्या चाहिए? करेंट तभी इंड्यूज होता है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्वाइल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, यहां से अब ये इधर तक मूव करेगा तो इससे लिंक जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है क्या? भाई इतने पोर्शन में एरिया भी इसका सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है तो फ्लक्स का वैल्यू भी सेम होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा क्या?
नहीं होगा, अब करंट इंड्यूज नहीं होगा। कब तक? जब तक वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जब वो अंदर इंटर कर रहा था, जैसे ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटर किया, तो पहले इतने में मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर इतने में, धीरे धीरे ये इंटर कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए इसमें इंड्यूस करंट फ्लो हुआ। अब जब ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो इसका एरिया तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी मूव करे, इससे लिंक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब ये इधर जब बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये जैसे ही ये कॉइल बाहर निकला थोड़ा थोड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल का एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल का एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, कि इंक्रीज हो रहा है? अरे जब ये कॉइल को बाहर निकालोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जितना पोर्शन कॉइल का है, उसका एरिया धीरे धीरे डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। चेंज हो रहा है तो करंट तो इंड्यूज होगा, मगर अब देखो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या करना है, फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज करो। क्यों शिवांग, क्या करना पड़ेगा? भाई फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, अपने को फ्लक्स को मेंटेन रखना है, घटने नहीं देना है, तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि जो इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है वो मेंटेन हो जाए। यानी अब मेरे को किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, इनवर्ड की आउटवर्ड? पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, अब ये फ्लक्स भी इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होते जा रहा है। अगर पहले मान लो 90 वेबर था, तो 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया, 70 से 60 हो गया, क्योंकि इसका एरिया बाहर निकल रहा है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अंदर के तरफ की बाहर के तरफ? नहीं, आउटवर्ड में कैसे होगा, जैसे मान लो इनवर्ड डायरेक्शन में 10 टेस्ला था पहले, जब ये थोड़ा सा बाहर निकला 10 से 9 हो गया, और बाहर निकला 9 से 8 हो गया, तो अगर मेरे को वापस 10 लाना है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इनवर्ड होना चाहिए ना। यस सर। अगर ये आउटवर्ड हो गया, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, अगर 5 टेस्ला, तो 10-5 हो जाएगा, इनवर्ड रहेगा तभी तो 10+5 होगा। इतना देखो अभी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझो, नहीं तो फिर बाद में ऐसे गोल गोल मिलेगा, फिर समझ में नहीं आ पाएगा। तो अभी फिलहाल जब ये कॉइल बाहर निकल रहा है, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीज कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, हमको उसको रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को भी उसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा करेंट फ्लो होने से। यानी मैं अपने राइट हैंड के थंब को कहाँ रखूंगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरा फिंगर जिधर मुड़ेगा वही होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट। तो बताओ इसमें इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन अब कैसा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज? थंब को कहाँ रखेगा, इनवर्ड की आउटवर्ड? क्यों शिवान, मेरे को अंदर के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक
फिल प्रोड्यूस करना है ना, तभी तो बैलेंस होगा। तो मैं थंब को रख दिया इनवर्ड, मेरा फिंगर घूम रहा है ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉक बोलते हैं क्या ऐसा? क्लॉकवाइज। क्लियर नहीं हो रहा है क्या ये? अरे नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है क्लियर। हाँ पता चलना चाहिए ना, पता चला कुछ, मैं बस चिल्ला रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज याद रखना कि अगर मैग्नेट, कोई भी क्वाइल अगर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। हमको अपने अंगूठे को उस डायरेक्शन में रखना है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए। यानी पहले से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो हम लोग थंब को आउटवर्ड रख देंगे। याद रखना कहाँ पे, जहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, फिर जहाँ पे क्वाइल बाहर निकल रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज हो रहा है तो हमको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही थंब रखेंगे। यानी जब वो क्वाइल इंटर कर रहा है तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थंब रखना है। जब वो क्वाइल बाहर निकल रहा है तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखना है। दो चीज याद रखना है, समझ में आया कि नहीं? चलो देखो, अब ये जो क्वाइल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट वाला, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अ ट्रायंगुलर शेप क्वाइल ट्राई टू इंटर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। चलो इधर कर लो, यहां से एक ट्रायंगुलर शेप क्वाइल है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है और यहां से वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन कंडीशन वन एंड इन कंडीशन टू? अब बताओ तुम लोग, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, ये पहले से ही आउटवर्ड है। दोनों में एंटी क्लॉक वाइज। तू बता अरुषि। क्यों अरुषि, क्या होगा? जहीन, आयुष, बता दो, जब इंटर करेगा तो कैसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड? वो छोड़, ये बता थंब को किधर रखेगा, फर्स्ट पोजीशन में? क्या बताया था मैं कि जहां से क्वाइल इंटर करेगा ना तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थंब को रखना, और जब ये क्वाइल बाहर निकलेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में थंब को रखना। समझ में आ रहा है ना? जब इंटर करेगा तो इवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थंब, और जब बाहर निकलेगा तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब। दो ही बात याद रखो, करंट का आ जाएगा कैसे करना है। तो यहां पर जब ये इंटर कर रहा है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड की इनवर्ड? क्यों आरुषि, प्रेजेंट है कि नहीं है? जब ये क्वाइल इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला डॉट वाला कौन सा डायरेक्शन बता रहा है आयुष? क्यों अंजनी, कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? आउटवर्ड सर। तो डाउट जो डॉट वाला आउटवर्ड है, अब वो इंटर कर रहा है, यानी कि मेरे को थंब को किधर रखना पड़ेगा, आउटवर्ड की इनवर्ड? तो जब इनवर्ड थंब रखोगे तो फिंगर किधर मूव कर रहा है,
क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. जब ये क्वाइल बाहर निकल रहा है, अब थंब को किधर रखना है? अब थंब को रखना है आउटवर्ड। क्या बताया था मैं? जब इंटर करेगा तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जब बाहर निकलेगा तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो थंब ऐसे रखोगे तो अब करंट कैसा हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बन जाएगा। आयुष, आयुष यादव, चलो एक और क्वेश्चन देखो। इंड्यूस करंट वाला, चलो देखो। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। शिवांग कैसे गायब हो जा रहा है बीच बीच में? तुम पता नहीं किस तरह कॉल आ गया था। अच्छा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अपने को क्या दिमाग लगाना है कि जब कोई भी क्वाइल इंटर करेगा तो जो भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थंब रखना है। फिंगर जिधर मुड़ेगा करंट का वही डायरेक्शन होगा। जब क्वाइल बाहर निकलता है तो जो भी गिवन मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में थंब रखना है। जिधर भी फिंगर मूव करेगा वो तुम्हारा डायरेक्शन होगा करंट का। समझ में आया इतना? चलो, तो ये तुम्हारा है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस यानी डायरेक्टेड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, सब क्रॉस है यानी मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मतलब प्लेन आपके पास। ये क्वाइल है, ये क्वाइल इंटर कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फर्स्ट क्वाइल। अब बताओ, मैं ज्यादा नहीं चिल्लाने वाला, क्या होगा करंट का डायरेक्शन? अब तुम लोग अपने थंब को जिधर रखना है उधर रखो और बताओ। क्लॉकवाइज। क्यों क्यों शिवान, कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज ही होगा। क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, तो मेरे को थंब रखना है आउटवर्ड, तो कहाँ क्लॉकवाइज हुआ? क्या बोला था मैं कि जहां पे क्वाइल इंटर करेगा वहां पर पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थंब रखना है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 10 बार बोल रहा हूं। तो जब बाहर निकलेगा तो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब रखना है। तो वहां पर ये जो क्रॉस है ये किधर है, इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड। तो अभी थंब को कहां रखोगे, आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड रखोगे। तो करंट किधर फ्लो होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अक्का बक्कड़ नहीं खेलना है ना, कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, बस नींद में टाइप का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं चिल्लाना है।
समझ में आया? यस सर। चलो देखो, दो चीज बोलना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, अक्कड़ बक्कड़ का खेल नहीं हो रहा है। चलो देखो, अब ये कॉइल बाहर निकल रहा है, बता दो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करेंट। इधर से कॉइल बाहर निकला, क्या होगा करंट का डायरेक्शन? हाँ, क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन में रखना है, बाहर निकल रहा है तो जिधर पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही थंब रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा थंब इधर, तो करंट ऐसा, यानी यहाँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। समझ में आया? चलो एक और कॉइल है, ये भी क्वाइल बाहर निकल रहा है, क्या होगा इसमें डायरेक्शन ऑफ करेंट? इसमें भी क्लॉक वाइज ऐसा रखना है। समझ में आया कि नहीं आया अंजनी? आया कि नहीं आया समझ में? चलो अब ये वाला कॉइल है, बता आयुष, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, क्या होगा करंट का डायरेक्शन, या करंट फ्लो भी होगा कि नहीं होगा इसमें? जब बाहर निकल रहा था तो करंट फ्लो हो रहा था, अंदर कर रहा है तब करंट फ्लो हो रहा है, अब ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, करंट विल इंड्यूज और नॉट? भाई करंट के इंड्यूज होने के लिए क्या चाहिए, कि फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा? जब या तो क्वाइल इंटर करेगा या क्वाइल बाहर निकलेगा। अगर क्वाइल उसी में घूमते रहेगा तो जितना फ्लक्स है हर एक प्लेस पे फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना। यस सर। तो करंट इंड्यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। ओके, तो ये तो तुम्हारा था डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने का। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कर लोगे ना फाइंड? यस सर। ठीक है, इसको और प्रैक्टिस करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, मोशन ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग नंबर, चलो देखो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि व्हेन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर, यानी आई करंट है, कंडक्टर का लेंथ एल है, यानी व्हेन अ करंट कैरी कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। पढ़े हैं कि नहीं पहले? कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है, याद है कि नहीं? कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्ट ऑन इट, भूल गए हो कि याद है? क्यों शिवांग? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, ये वाला डेरिवेशन भी हम लोग किए थे,
याद है कि नहीं? उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? F इक्वल टू आई एल बी। अरे अभी तो हम लोग पढ़े हैं भाई क्वाइल वाला, कि क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में है, क्वाइल का लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I है, तो आई एल बी फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? Yes, sir. जिसको हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता रहे थे, याद आया? Yes, sir, याद आया। तो अपने को पता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी, देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन कंडक्टर? एफ इक्वल टू आई एल बी। ये होता है। अब यहां पर क्या है, एक कॉइल है, द कॉइल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड directed inward to the plane of paper and there is one coil of length L and breadth B। इस coil का length L है और breadth क्या है? B है। It is coming outward to the magnetic field। इसको मैं outward direction में बाहर निकाल रहा हूँ, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ओके, इनवर्ड है। अरे यार तुम लोग ना बार बार, हाँ नहीं सही सही, इधर है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो। अब क्या होगा कि सपोज आई इज द इंड्यूस करंट फ्लोइंग इन द क्वाइल एंड क्वाइल इज एमर्जिंग आउटवर्ड, लेंथ ऑफ क्वाइल इज एल एंड ब्रेथ इज बी। ओके, सपोज एट एनी टाइम द x length of coil emerges outward, इस coil का कितना x length बाहर निकल गया, तो what is the area of this portion? इस portion का length L है और x breadth है, इतना portion magnetic field के बाहर निकला, तो what is the area of this portion? क्या होगा? एरिया इक्वल टू क्या होता है? अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना ना, इस रेक्टेंगल का लेंथ है एक्स, लेंथ है एक्स और ब्रेथ है बी, तो व्हाट इज द एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, देखो अपने को क्या करना है कि मैग्नेटिक एक लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ईएमएफ के लिए डेरिवेशन फाइंड करना है। तो सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पोर्शन है दिस इज द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज वन रेक्टेंगुलर लूप, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। The length of rectangular loop is small l. This is coming out from the magnetic field. At any time t, small x portion of loop has been come out. Small x portion बाहर आ गया। इतना distance है तुम्हारा l. तो व्हाट इज दिस एरिया, इस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, तो व्हेन एक्स पोर्शन ऑफ लूप कम आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड देन एरिया ऑफ इमर्जिंग पोर्शन
एरिया ऑफ इमर्जिंग पोर्शन इक्वल ए इक्वल टू एल इनटू एक्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों शिवान, हुआ? तो व्हाट इज द डिक्रीज इन फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू बी इंटू ए, माइनस साइन लगा दो, क्योंकि जैसे जैसे ये लूप बाहर जा रहा है इससे लिंक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी इंटू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन फ्लक्स। तो चलो फाई का वैल्यू पुट कर दो माइनस बी और ए का वैल्यू है एल इंटू एक्स। ये इक्वेशन नंबर हो गया टू। तो दिस इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स व्हेन कॉइल इज इमर्जिंग आउटवर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल आउटवर्ड जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। ये फॉर्मूला है डिक्रीज इन फ्लक्स का। तो इसी फ्लक्स के डिक्रीज होने के कारण इसमें क्या हुआ? ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ करंट भी इंड्यूस हो गया। देन फ्रॉम फैराडे लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ? ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डीटी। होता है कि नहीं होता है? ये फ्रॉम फैराडे लॉ E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी बताया था कि नहीं मैं? ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो उसका। E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई का वैल्यू है B इंटू एल इंटू एक्स। ये भी माइनस है, डिफरेंशिएशन के बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। E इक्वल टू डी अपॉन डी टी बी एल इंटू एक्स। यहां पर तुम्हारा B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल और X है पोर्शन ऑफ क्वाइल इमर्जिंग आउटवर्ड। जैसे जैसे ये क्वाइल बाहर निकलते जाएगा X का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे ये क्वाइल अंदर जाएगा X का वैल्यू भी कम होगा। यानी यहाँ पर ये सारे क्वांटिटी फिक्स हैं, केवल x वेरिएबल है, x का वैल्यू कम ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इक्वल टू B भी कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। क्वाइल का जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है L, बी एक्स अपॉन डी टी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब dx अपॉन dt कौन सा क्वांटिटी हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? वेलोसिटी की एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी v, देन द फॉर्मूला फॉर EMF इज b इंटू एल इंटू वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन द क्वाइल व्हेन क्वाइल इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट है यहां तक? ये फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन आता है ना डेरिवेशन में कि डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ व्हेन अ कॉइल मूव इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी एल भी हो गया ईएम। करंट बोलेगा तो करंट आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो द वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू ई अपॉन आर, therefore I equal to B L V
ये हो जाएगा किसका, इंड्यूस करंट का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? ये हुआ फॉर्मूला फॉर करंट। क्यों आयुष, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ रहा है। थर्ड है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। एंड व्हाट इज द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? आई एल बी, ये होता है ना फोर्स ऑन द कंडक्टर। आई का वैल्यू वहां से पुट कर दो, तो बी एल बी अपॉन आर इंटू आई एल बी, तो ये हो जाएगा, सॉरी आई का वैल्यू पुट किया है ना, ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, दिख रहा है यहां नीचे? यहाँ पे ना? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो आज इतना रहने दो, इसको थोड़ा देख लो अच्छे से, कल इसका और भी एप्लीकेशन है उसको करेंगे, ओके? Yes, sir. ठीक है, मैं आज कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ लेंज लॉ पे और इस पे जो आते रहते हैं, ठीक है। टेस्ट तुम्हारा कल टेस्ट रहेगा ना?